हेलो गाइस, आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम टूर करने वाले हैं कुछ एक नया बेहतरीन चीज़ का जो हमारे प्रकृति के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्लॉग में बने रहिएगा, अंत तक बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बस यही रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। तो आज का यह ब्लॉग एक कुछ ऐसा होने वाला है कि आपको इसको देख के बहुत सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा कि आप अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी हम ब्लॉग किस टॉपिक पे बना गया उसको रिवील नहीं किए हैं। तो अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि दिन भर आप शहर के लाइट, घर के लाइट्स और प्रदूषण से परेशान हो चुके होते हैं। लेकिन अभी आपको मिलेगा बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जिसको कि देख के आपके आँखों को ठंडक पहुँचेगा और साथ में आपका माइंड भी पूरी तरह फ्री हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप देख सकते हैं अभी मैं कहाँ पर हूँ, आप सारा साइट का एक बार लुक देख लीजिए, अभी मैं कहाँ हूँ और ब्लॉग किस तरह का होने वाला है आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। तो अभी तक आपका अंदाज़ा हो चुका होगा, लेकिन ये मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये एक गार्डन है, आम का बगीचा जिसको बोलते हैं हम लोग, आम का बगीचा है, ये हमारा ही है। लगभग 3 एकड़ में ये फैला हुआ है, हम लोग खुद लगाए हैं 3 एकड़ में। होगा कितना बड़ा है इसका घेरा, यानी कि बाउंड्री। इसके बाद हम बाउंड्री के बाद में अंदर घुसेंगे और एक एक पेड़ पौधों को आपको दिखाएंगे कि कैसा है, कौन सा किस वेराइटी का है, यह सबका जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये हमारा बाउंड्री का जो पिलर बना हुआ है वो लोहा का लगाया गया है, क्योंकि हर साल टूट जाता है। जैसे इस तरह का सखुआ का या कोई लकड़ी का लगाया जाता है तो एक साल के अंदर में ये टूट जाता है। जैसे ये नया है अभी और ये पुराना वाला है, ये लगभग रिजेक्ट हो गया, एक्सपायर हो चुका है। आप देख सकते हैं इसको, ज़्यादा समझ में आएगा। आप देख लिए ये पूरा एक्सपायर होने वाला है। उसी तरह से हर साल होता था, ये यहाँ देख सकते हैं ये भी इसी तरह का है। इसलिए अभी इस साल इसमें लोहे का एंगल को लगा दिया गया। लोहे का एंगल लगाने से अब इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट 0 हो जाएगा। इस आम का प्लांट का लगाए हुआ कम से कम 2 साल हो गया, इस साइड में जुताई खुदाई नहीं हुआ है एक बार भी, इसलिए ज़्यादा अच्छा से नहीं बढ़ पाया है। लेकिन अब उस साइड में देखेंगे जो अगले साइड है, उस साइड में एकदम खेती होता है तो बहुत अच्छा निकल रहा है उधर का। ये है कटहल का पेड़, आपको पता होगा कटहल का पेड़ कैसा होता है, और नहीं पता तो आप देख लीजिए यहाँ पर। ये भी कम से कम 3 साल हो गया इसका, लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। बचपन में लगाते हैं तो पेड़ हमसे बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगा, इसलिए आप भी अपना बर्थडे पर एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा और देखिएगा कि आपका से कितना स्पीड बढ़ता है वो पेड़, ये आपको देखने को मिलेगा।